दोस्तों आज के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ काफ़ी खुश होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये जो किचन बनी हुई है, इस किचन को हम मॉडिफाई करने वाले हैं। इसके अंदर हम कुछ बास्केट वगैरह लगाने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें सब पल्ले पल्ले लगा रखे हैं। अभी दोस्तों इसके अंदर हम बास्केट लगाने वाले हैं, यहाँ बास्केट लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे। दोस्तों ये जो पहले किचन बनी हुई है ये फ्रेम पे बन रही है किचन, ठीक है। ये तीन डेढ़ की लकड़ी लगा रखी है, उसके ऊपर किचन बना रखी है। तो दोस्तों अभी हम इसकी जो है पूरी मॉडिफाई करने वाले हैं किचन को। और यहाँ देख सकते हैं ये किचन, यहाँ पे भी ये सिंक आ गया, तो यहाँ पे हम थाली बास्केट लगाने वाले हैं। हमारा गैस चूल्हा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम बास्केट लगाने वाले हैं। ऊपर भी यहाँ पर बॉक्स वगैरह बना रखे हैं, यहाँ बना रखे हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी समय हो गया था, तो ये कोठी जो बंद थी सब इसमें अंदर काम भी काफ़ी रिपेयर है। और बाकी दोस्तों इसके अंदर जो हम काम करने वाले हैं, यहाँ इस वाले का काम करने वाले हैं, ये सब हम मॉडिफाई करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नई दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेनी है और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाली जो वीडियो मेरी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम इस किचन को मॉडिफाई करने की। तो बहुत समय से ये कोठी बंद थी, तो अभी देख सकते हैं इसकी हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। ये देख सकते हैं धूल इसके अंदर है, तो हम इसको सबसे पहले सफाई कर लेते हैं। सफाई करके फिर इसका जो है बोर्ड वगैरह हम काटने शुरू करते हैं। इस किचन को मॉडिफाई करते हैं हम, और बाकी जो है वीडियो साथ में जुड़े रहें, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला। यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो है यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ बना दिया, ये वाला पार्टीशन हम जो यहाँ था वो यहाँ था, अब खोल के हम यहाँ को ले आएँ इस वाले पार्टीशन को। इसके बाद दोस्तों ये वाला हमारा सिलेंडर हो जाएगा, इसका हम दो पल्ले बना देंगे, ये काट के यहाँ से तो इसके दो पल्ले बन जाएंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ से हमने कटलरी का बना रखा है, यहाँ पे हमारा चूल्हा आ रहा, चूल्हे के नीचे हमारा ये कटलरी, ठीक है, ये कटलरी आ गई यहाँ पे, और एक हमने नीचे फैला दी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे थाली वाली आ गई हमारी, थाली बास्केट यहाँ पे सिंक है, तो सिंक के बराबर से हमने थाली बास्केट दी है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आपको बताएँ बाकी ये वाला जो पार्ट है ये काटने हम यहाँ से सिलेंडर इसको हम ऐसा काट देंगे, तो ये हमारा जो है इसके अंदर आटा और चावल के ड्रम इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि अंदर काफ़ी गहरा है तो काफ़ी जगह है अंदर है, तो इसमें जो है आटा और चावल का आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ का सिंक का पल्ला इसको हम ऐसे रन देंगे। और बाकी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसका हमने पूरा बॉक्स बनाया, ये देख सकते हैं हमने पूरा बॉक्स बनाया इसके भी, और इसका भी पूरा बॉक्स बनाया क्योंकि ये पहले से सीमेंट का बना हुआ था, ये सब कुछ सीमेंट का बना हुआ है, इसमें अंदर ये सीमेंट का है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है। दोस्तों जब भी आप किचन बनाएं तो खास करके इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जो बीच में सेल्फ लगा देते हैं इतने मोटे वो ना लगाएं। अगर आपको लगानी है तो जो है एक आती है खड़ी ईंट से, तो उसको खड़ी ईंट से जो है चुनाई कराएं, बाकी प्लास्टर हो जाएगा दोनों साइड से तो काफ़ी मोटा हो जाता, लेकिन ना भी लगवाएंगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका मन करता है लगाने के लिए तो इस तरह से जो है आप खड़ी ईंट से चुनाई कराएँ। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इसने कितना गैप लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये पूरी जगह बेस्ट हो गई। अगर ये चीज़ ना होती तो ये वाला हमारा ये वाला खाना और यहाँ आया था यहाँ से, तो वो वाला जो एरिया हमारा और ज़्यादा हो जाता। तो ये थोड़ा सा बहम होता किचन के अंदर कि यार बहुत ज़्यादा मजबूती चाहिए, तो इसके अंदर इतनी मजबूती का काम नहीं है जितना कि हम देख सकते हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एरिया बेस्ट हो रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक देख सकते हैं कितना मोटी दीवार है, मतलब ऐसे मान लो 8 इंच की जो है एरिया पूरा कवर हो गया है, ये वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। और वहाँ पे भी यही हाल है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ 4.5 इंच के जो है, अगर आप इस तरह से भी ईंट को खड़ी करके चुनवाएंगे तो इसके ऊपर भी काफ़ी लोड आ जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम इसको तैयार कर लेते हैं, फिर आपको मैं दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो किचन बनाई थी वो मोड पूरी हमने चेंज कर दी है। दोस्तों यहाँ जो था वाइट पल्ला था, हमने अभी यहाँ पर जो है रेड रख लिया, हमारा यहाँ पर वाइट आ गया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक पल्ला था यहाँ पे यहाँ का था, हमने यहाँ हटा दिया, तो अभी हमारे दोस्तों ये वाला सिलेंडर हो गया, ये हमने कप्सूल से डाल दिया, नीचे प्लेन थाली वगैरह सॉरी। दोस्तों नीचे हमारे कुकर कढ़ाई के लिए हो गया, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो ये दोस्तों ये हमने यहाँ पे ये कप्सूल से डाल रखा, ठीक है, इसके नीचे हमने दोस्तों ये हमने डाला यहाँ पर कुकर कढ़ाई और बाकी इसके अलावा काफ़ी सामान भी रहो उसके अलावा भी कुछ रख सकते हैं। ये दोस्तों हमारा सिलेंडर का पल हो गया दोनों, और यहाँ पे दोस्तों हमारा चूल्हा आ रहा है, यहाँ पे चूल्हा यहाँ पे चिमनी लग जाएगी,
तो इसके नीचे हमने यहाँ पे देख सकते हैं कटलरी डाल रखी है ये। ठीक है दोस्तों, ये पुरानी किचन थी तो पुरानी किचन के हिसाब से मैंने बहुत अच्छा कर दिया है, और आप लोग बताना ये कैसा हुआ। इसके बाद दोस्तों हमने ये वाला सेल्फ था, ये पूरे में ऐसे में पार्टीशन पड़ रहे थे पहले, तो अभी दोस्तों हमने ये सेल्फ हटा के यहाँ पे दोस्तों ये हमारा आटा और चावल के लिए, और बाकी और भी वो सामान आ सकता है इसमें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे ये है, ये हमारे आ गए थाली बास्केट, यहाँ पर सिंक है तो उसके ठीक नीचे हमारे थाली बास्केट आ गई। और इसके बाद दोस्तों हमारा ये हमने बनाया ये बोर्ड का बना हुआ, ठीक है ये पूरी बोर्ड की बना रखी है, तो ये बोर्ड का हो गया। बाकी तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ये किचन अच्छी लगी हो, या इस वीडियो को कौन सा पार्ट तुम आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप कौन से राज्य से कौन से ज़िले से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बता सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।